जय जय श्री राधे। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं योगी नारायणनाथ, जो नेपाल के एक विभूति थे, और आपका जो ये समाधि स्थल है, ये जो देवघाट में यहाँ आते थे तो देवघाट धाम में आपका स्थान है, और यहाँ पर पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के नीचे में ही ये मंदिर पूरा बना हुआ है। कभी भी आप लोग आए तो इस साइड में ज़रूर दर्शन करें, और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ का। और ये इस समय यहाँ पर छात्रावास जैसे शिक्षा के लिए भी यहाँ व्यवस्था किया गया है, अभी बाहर दिखाऊंगा। और ये भीतर का ये दृश्य है, यहाँ उनका विश्राम स्थल हुआ करता था, यहाँ साधना करते थे महाराज जी बैठ करके। और ये बाहर का ये सीन है, ये इस साइड में जो देख रहे हैं, इस साइड में एक कोने में यहाँ पर छात्रावास अभी नया चालू हुआ है। इधर गौशाला है, बहुत बड़ा गौशाला। गौशाला भी एक दो गाय नहीं है, कम से कम 1500-2000 गायों के बीच में। और यहाँ के जो अभी संचालक महोदय है, जो महंत जी हैं, ये सामने में बैठे हैं, ये श्री नाथ जी महाराज जी हैं। और यहाँ के महंत जी, कभी भी आप लोग जैसे देवघाट धाम में आते हैं, इधर उधर आते हैं, तो यहाँ इस जगह में आकर के ज़रूर दर्शन करें, यहाँ का अवलोकन करें। जो योगी नरनाथ जी का जो है बहुत ही सुंदर प्राचीन, और ये बाहर जैसे दिखा रहा था कि ये ऊपर पेड़ है, पेड़ के नीचे में ही ये पूरा मंदिर का गोलाकार जैसे बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इस जगह में कभी भी आइए तो रोड के किनारे में ही है, और यहाँ आकर के दर्शन करके ज़रूर जाएं। गौ सेवा जो करना चाहे वो करें, और अनाथालय भी है, और सब चीज़ यहाँ यहाँ सब चीज़ का जो है व्यवस्था बहुत ही सुंदर बना हुआ है। योगी नरहरिनाथ जी का जो है स्थान बागेश्वरी गौशाला, ये देवघाट धाम नारायणघाट से बगल में ही पड़ता है। और इधर ये जो गौशाला है, गौशाला का भी मैं आप लोग का नहीं से आप लोग देख लीजिए, कितने गाय है, कितने चरने गए हैं, और ये कितने यहीं हैं। और ऐसा यहाँ का जो बहुत ही सुंदर नज़ारा हजुरला जो बताई रखे गए हिंदी में बनी अलग बताऊ पर्नी भएको हुनाले मैं हिंदी में प्रयोग गरिराखेको थिएँ, हिंदी भाषा को। यो चाहिँ स्थान जो हेर्दै हुनुहुन्छ, योगी राष्ट्र योगी नेपाल राष्ट्र योगी श्री नरहरिनाथ जी को स्थान, जो मृगस्थली इसको हेड अफिस मेन आश्रम चाहिँ वहाँ छ, मृगस्थली काठमाडौँ। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ यहाँको गौशाला, जसलाई बागेश्वरी गौशाला भनेर भनिन्छ, त्यो यहाँ गौशाला छ, यहाँ मन्दिर र यता अनाथालय, साधु सन्तहरूको निवास, यहाँ सन्तहरू हुनुहुन्छ, यहाँ ब्रह्मचारीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो सबै साधनामा लागेर बस्ने। जस्तै गरेर उहाँका यहाँका महन्तजी अहिले अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ, फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ठुलो आश्रम सम्हाल्नु छ त सबै चिजमा अहिलेको समयमा जरुरी पनि छ, यहाँ सन्तहरूको अलग अलग आफ्नो आफ्नो साधनामा लागेको। यो चाहिँ देवघाट धाममा कहिले पनि हजुरहरू आउनुभयो भने एकचोटि यो स्थानमा जरुर दर्शन गरेर जानुहोला, यहाँका गौगहरूको दर्शन गर्नुहोला, यहाँका सन्त महात्माहरूको दर्शन गर्नुहोला, विद्यार्थी बटुकहरूको दर्शन गर्नुहोला, जरुर आउनुहोला यो स्थानमा पनि। भन्दै जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।